बाजी जोन छोटू भैया का साइज है ना वो है 32 और हमारा 36 देखेंगे। हेलो गाइस, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो मैं आपके लिए खुल जा सिमसिम का एपिसोड 2 लेकर आ गया हूँ। अब अगली सुबह यहाँ समर आता है। समर यानी अवधेश के चाचा का छोटा बेटा, और वो दरवाजे पे आकर अपने अवधेश भैया को बुला रहा था, लेकिन अंदर से कोई भी बाहर नहीं आया। और दरवाजा खुला होता है तो ये सीधा अंदर घुस जाता है और देखता है कि सिमरन भाभी पैर वर खोल खाल के गहरी नींद में सो रही हैं। अब ये हौसी उनके पैर को छूने होने लगता है। अभी अपना शस्त्र निकाल के भाभी के पैर पे ही फायरिंग कर देता है, और तभी अवधेश की माँ की आवाज़ आती है और ये कपाट में जाकर छुप जाता है। और इसकी सासू माँ आकर इसे जगा रही होती है तो इनका हाथ उसके पैर पे पड़ता है जहाँ समर ने फायरिंग की थी। तभी ये बोलती है छी छी छी, और फिर से इन्हें उल्टी जैसा लगने लगता है। और अब ये सिम को जगाती है तो सिम पूछने लगती है आपको हाथ पे क्या हुआ, तो ये बोलती है सुबह सुबह तुम्हारा प्रसादी मिल गया। अब सिम पूछने के लिए कपड़ा लेने के लिए कपाट खोलती है तो उसमें समर छुपा हुआ होता है। वो बोलता है प्लीज कुछ मत बोलना। अब सिम कपड़ा ले जाकर उसकी माँ का हाथ पोंछ देती है। माँ बोलती है गंध फैलाते हो तो उसे साफ कर दिया करो, जाओ नहा के चाय बना दो। अब इनके बाहर जाते ही सिम कपाट खोलती है और समर वहां से भाग जाता है। अब सासू माँ बाहर रिमोट ढूंढ रही होती है तो इन्हें रिमोट में कॉन्डम लगा हुआ मिलता है, मतलब शायद सिम रिमोट में लगा कर मजे ले रही थी। और फिर से उन्हें उल्टी जैसा फीलिंग होने लगता है। तभी अवधेश के पापा आते हैं और वो रिमोट ढूंढने लगते हैं, तो इनकी वाइफ उन्हें ये कहकर रिमोट देने से मना कर देती है कि वो खराब है। तभी सिम चाय लेकर आ जाती है, लेकिन सासू माँ उसे चाय रखवा देती है। और सिम ससुर जी को रिमोट देने ही वाली होती है कि वो रिमोट देखकर छुपा लेती है। सासू माँ बोलती है जाओ नहा लो और ये रिमोट भी फेंक देना, खराब हो चुका है। और यहाँ अवधेश अपने गांव के लोगों के साथ ब्लू फिल्म देख रहा था और सभी लोग सिमरन के नाम लेकर उसका बहुत मजाक उड़ा रहे थे। और यहाँ इसके चाचा के बड़ा बेटा तेज सिमरन भाभी के पास आता है और उन्हें अपनी अंडरवियर की साइज उज बताने लगता है। बोलता है कि अवधेश भैया से तो बहुत बड़ी है। फिर बोलता है कि कब आएंगे कमरे में, और तभी अवधेश आ जाता है तो तेज बोलने लगता है बस भाभी से मजाक कर रहे थे। अब रात को सिमरन का मूड खराब था कि अवधेश ने तेज भैया को कुछ नहीं बोला। सिम बोलती है यहाँ सुबह समर कपाट में बैठे थे और तेज भैया अपना साइज बता रहे थे, लेकिन अवधेश तो कुछ समझ ही नहीं रहा था। अब अवधेश सिमरन का मूड ठीक करने के लिए उसे बोलता है कि आज मैं सिम और तुम अवधेश बनोगी। अब अवधेश सिम के अंडरगारमेंट्स पहन लेता है और सिम अवधेश का, और आज सिम अवधेश का लेकर उसे मजा देती है। और दरवाजे पे खड़ी इसकी सास ये सब देख सुनकर फिर से उन्हें उल्टी जैसा लगने लगता है। अब अगले दिन सब्जी वाला आता है और सब्जी वाला सिम को कद्दू परवल सब दिखाता है। और भिंडी के टाइम पे सिम बोलती है ये तो खो जाएगा। अब कहाँ खोएगा वो तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। सब्जी वाला पूछता है कहाँ खो जाएगा, तो ये बोलती है कढ़ाई में। सिम ककड़ी लेने वाली होती है कि उसकी सास आके सब्जी वाले को ही भगा देती है और बोलती है अवधेश सब्जी लाता है ना। अब रात को अवधेश सब्जी लेकर आ गया था और सिमरन तुरंत ककड़ी निकाल लेती है और उसे फील करने लगती है, और पीछे खड़ी उसकी सास को फिर से अच्छा नहीं लग रहा था। अब रात को इसकी सासू माँ कद्दू ककड़ी ये सब को खाने से मना कर देती हैं। अब रात को सिम और अवधेश की आवाजें इसकी मम्मी पापा के रूम तक आ रहे थे, तो अंकल जी आंटी को बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा ओवरनाइट कर रहा है। अब अवधेश की माँ अवधेश के पापा को बोलती है कि बहू को कल डॉक्टर के पास लेकर जाना है, दिमाग में कचरा भर गया है। अब अगले दिन ये डॉक्टर के पास जाती है, सांस तो बाहर थी और डॉक्टर चेक करने के बहाने से इसे गलत तरीके से छुए जा रहा था, तो सिमरन उठ के एक थप्पड़ लगा देती है और बोलती है औकात में रहो भोसड़ी के। अब ये लोग वहां से चले जाते हैं। अब डॉक्टर को कट्टा भैया का फोन आता है और ये उसे बताता है कि एक नया बवाल माल आया है कट्टा भैया, और वहीं हो जाता है एपिसोड खत्म। इसके आगे के एपिसोड के लिए थोड़ा वेट करें, जल्द ही अगला पार्ट लेकर आएंगे। तो इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल वेब सीरीज फ्री में देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन कीजिए और सभी वेब सीरीज फ्री में देखने का आनंद उठाइए।